हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है दमदार ड्राइविंग ब्लॉग्स। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारी जो कार के अगले टायर होते हैं उसकी आगे जो ठोकर होती है, जरा सी ठोकर या कोई रोड़ा वोड़ा उसके टायरों के आगे होता है, तो उस पर से गाड़ी हमने कैसे चढ़ानी है। गाड़ी के टायर के आगे हमने ईंट रख दी है, ठीक है, मतलब ठोकर बन गई है। तो हमने करना क्या है, गाड़ी स्टार्ट करनी है, हमने गाड़ी स्टार्ट करनी है। हाफ क्लच रहेगा अपना, वही जैसे नॉर्मल चढ़ाई में गाड़ी उठाते हैं नॉर्मल वही रहेगा। हाफ क्लच छोड़ा, गाड़ी हमारी वाइब्रेट करेगी, ब्रेक से पार हटा देंगे, ये इस तरीके से हल्के से एक्सीलेटर देंगे और एक्सीलेटर थोड़ा सा चालू कर देंगे, गाड़ी हमारी पार, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों हमारी गाड़ी उठ गई है वहाँ से, जो हमारी ठोकर थी उस पर से गाड़ी चढ़ गई है हमारी। हमारा हाफ क्लच, ब्रेक से पैर हटाएंगे जब गाड़ी वाइब्रेट करेगी, एक्सीलेटर देंगे जितने की हमें ज़रूरत है, उसके बाद धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, और अगर एक्सीलेटर की जरूरत होगी तो एक्सीलेटर देंगे और फिर सीधे क्लच छोड़ के हल्के हल्के चल देंगे, गाड़ी हमारी उठ जाएगी। तो गाइस, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। तो गाइस, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली ट्रिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।